थराली से लौट आई वनंदा देवी अपने ननिहाल देवराठा सिद्धपीठ। पिछले अगस्त महाकुरुट सिद्धपीठ से कैलाश के लिए चली मां नंदा की लोकजात विभिन्न पड़ावों से होते हुए 3 दिसंबर को बेदिनी कुंड पहुंची थी। तब श्रद्धालुओं ने मां नंदा राजेश्वरी को नम आंखों से उनके ससुराल कैलाश के लिए विदा किया था। परंपरा अनुसार विभिन्न पड़ावों से होते हुए मां नंदा राजेश्वरी कैलाश से 6 महीने के प्रवास के लिए वापस अपने ननिहाल देवराठा सिद्धपीठ लौट आई है। मां नंदा राजेश्वरी के देवराडा पहुंचने पर मां के भक्तों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने अपनी इष्ट देवी का पुष्प अक्षत वर्षस्त कर जयकारों के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि मां नंदा यानी मां पार्वती की प्रति वर्ष लोकजात कैलाश के लिए आयोजित होती है। इस छोटी जात यानी यात्रा कहते हैं और प्रत्येक 12 वर्षों में हिमालय कुंभ के नाम से जानी जाने वाली राजजात को बड़ी जात यानी यात्रा कहा जाता है। पूर्व में इस राजजात को गढ़वाल नरेश यानी राजा के द्वारा आयोजित किया जाता था, इसलिए इसे राजजाता कहा जाता है। यह राजजाता हिमालय के आखिरी छोर रूपकुंड तक जाती है। इसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यात्रा करते हैं। शनिवार को मां नंदा राजेश्वरी अपने ननिहाल देवराठा सिद्धपीठ मंदिर में पहुंची तो हजारों श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत करते हुए उनको मंदिर तक पहुंचाया। यहां पहुंचकर मां नंदा के पुजारियों ने मां नंदा को मंदिर गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना कर विराजमान किया। अब मां नंदा राजेश्वरी 6 महीने के लिए यहां विराजमान रहेंगी। महिला मंगलधन एवं अन्य महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया और हमारे गाँव में आज भंडारा भी हुआ जिसमें हमारी गाँव की महिलाओं तथा अन्य गांव की युवाओं एवं महिलाओं पुरुषों ने सभी का योगदान रहा और रात का आज हमारे समस्त गाँव वासियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमारे गांव में भंडारा भी किया गया। संख्या में भंडारा का आयोजन किया गया। मां नंदा देवी आई हुई है जहां पे आप सभी लोगों का स्वागत है। यहां पे हमने एक भंडारा का आयोजन किया है जहाँ पे सभी भक्तों के लिए भंडारा का आयोजन किया है। यहाँ पे मां नंदा देवी आज अपने ननिहाल में पहुँची हुई है जहाँ की सभी भक्त अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पे पधार रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है और हमारी जो मां नंदा देवी इष्ट कुल देवी है जो कि 6 माह क्रूर 6 माह देवराड़ा में प्रवास करती है और आज यहाँ पे मां नंदा के पहुँचने पर हमारे जितने भी गांव के हैं बदान के लोग हैं वो अपनी इष्टकुल देवी को अपनी जो है कि एक ध्यान के रूप में मनाते हैं और हमारी जो पहले से जो परंपराएं हैं और वो परंपरा भी आज जो है चल रही है और इसमें मैं सभी लोगों को पूरे क्षेत्रवासियों को पूरे अपने ग्राम सभा को सभी लोगों को मां नंदा डोरी के यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजेश्वरी सिद्धिपीठ कुरूड सिद्धिपीठ देवराड़ा मैं मां नंदा देवी राजेश्वरी अपने परंपरा और पौराणिक 9वीं सदी से जो चल के आ रही है लोकजात यात्रा बेदिनी कुंड में और जो परंपरा के अनुसार मां नंदा देवी सिद्धिपीठ कुरूड से चलकर अपने भिन्न भिन्न पड़ाव होते हुए मां कैलाश के लिए बेदिनी कुंड में नंदा सप्तमी की जात कर वापसी अपने ननिहाल सिद्धपीठ देवराड़ा में विराजमान होती है जहाँ पे माँ अपने भक्तों को दर्शन पूजा अर्चना के लिए दर्शन देकर आशीर्वाद के रूप में प्रसाद देती है। इसी क्रम में माँ नंदाराज राजेश्वरी उत्तरायण पक्ष में जब सिद्धपीठ देवराड़ा से सिद्धपीठ कुरुड़ की ओर प्रस्थान करती है तो हमारी जो महिला मंगल दल माताएं एवं बहन छोटी बहनें और बुजुर्ग छोटे बच्चे जो भी जिस प्रकार से सेवा भक्ति कर मां नंदा को यहां से विदा कर अपने इसी कर्म में भिन्न भिन्न पड़ाव होते हुए सिद्धिपीठ कुरुड़ के लिए प्रस्थान करती है। उत्तरायण को मां नंदा देवी सिद्धिपीठ कुरुड़ में प्रवास करती है वहीं पे अपने भक्तों को दर्शन देती है। ईश्वरी इसका पूरा नाम है पहले जो हमारी गंदा है ये गंदा सिद्धपीठ कुरूर से चली और बेदिनी कुंड यात्रा के बाद हमारे विभिन्न पड़ाव से होते हुए आज देवराड़ा में पहुंची है और देवराड़ा भादा बदान इसको बुंदोली से ऊपर इसको बहू के रूप में माना जाता है और वहां से सब नीचे बेब मामा कोट है
देविका देवराड़ा में और कुरूर में देविका मायका है। इसलिए आज माँ नंदा देवी राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवराड़ा में पहुंची है। सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा आज माँ का स्वागत किया गया है, विशेषकर देवराड़ा के लोगों के द्वारा। और भिन्न भिन्न पड़ाव पर इस साल देवी का बड़ा ही उत्सव, कोरोना काल के चक्रों में 2 साल हम थोड़ा उतना भीड़ नहीं थी, लेकिन इस साल देवी के साथ भक्तों की रिकॉर्ड भीड़ देखी गई है, चाहे कुरूर से लेकर और यहाँ देवरा तक सभी जगह पर देवी का बहुत बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। और आगे भी हम कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं कि माँ नंदा देवी के साथ इस तरह की भक्ति लोगों के साथ बनी रहे। थोड़ा सा लोक जात और राजजात का जो बताइएगा। हाँ, ये तो लोक जात तो हमारी जो है कि प्रत्येक साल में होते हैं लोक जात, क्योंकि कुरूर से चलकर बेदनी से लेकर देवरा 6 महीना देवी देवरा में रहती है, 6 महीना कुरूर में रहती है। राजजात प्रत्येक 12 साल में होती है, लेकिन अभी क्योंकि 2014 में हुई थी, 2 साल उसमें कम हो गए थे, तो अभी राजजात जो है वो राजा के द्वारा की जाती है। राजा उसकी घोषणा करता है कुरूर के पुजारियों के साथ मिलकर। जब कुरूर के पुजारी और राजा के बीच में जब बातचीत होती है, उसका जो मुहूर्त निकालता है वो कुरूर के पुजारी ही उस मुहूर्त को निकालते हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि राजा कब होगी। कुरूर यात्रा से आज हमारे ग्राम देवराड़ा में पहुँच चुकी है। हमारे गाँव की महिलाओं ने, सभी महिला मंगल दल की मेरी बहनों ने माँ नंदा देवी का अच्छी प्रकार से स्वागत किया है। सारे ग्रामवासियों ने मिलजुल करके माँ नंदा देवी का भव्य स्वागत किया है। हमारे गांव में निवास करती है माँ नंदा देवी, और हम 6 महीने तक माता की सेवा में रहते हैं। सारे ग्रामवासी, सारे परगना बदान के मेरे जितने भी जनता है, माँ की सेवा में हम तन मन धन से 6 महीने तक लगे रहते हैं। और जो भी हमारे गाँव में क्षेत्र में नया अनाज उगता है, हम पहले अपनी माँ नंदा देवी को चढ़ावा भेंट देते हैं, उसके बाद ही ग्रहण करते हैं। आप माँ नंदा को किस रूप में मानते हैं? ध्यान देती हैं, माँ नंदा देवी को ध्यान के रूप में मानते हैं। माँ नंदा देवी का मामा कोट है हमारे देवराड़ा में। हम अपनी माता को ध्यान के रूप में विदा करते हैं, ध्यान के रूप में स्वागत करते हैं। और आजकल भी जो नया खाजा अखरोट ककड़ी होती है हमारे पूरे क्षेत्र में, उसी का हम आज हम माता को सब भेंट उसी के रूप में लाए हैं, महिला देवराड़ा की तरफ से। तो बहुत खुश हैं आपके नंदा, बहुत खुशी हुई हमें जब हमारी माता गांव में पहुंचती है, तो हम बहुत खुशी से अपनी माता का स्वागत करते हैं और 6 महीने तक स्वागत करते हैं। विदाई भी खुशी से और आगमन भी खुशी से करते हैं। खबर भारत वर्ष के लिए थराली देवराड़ा नंदा देवी सिद्धपीठ उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।